न्याय हो। न्याय हो। कितने सालों से प्रकरण चलता चला? लगभग ये हमें 1.5 साल से परेशान कर रही है। प्रशासन अभी तक क्या आश्वासन देके आपको बार बार भेज देता? प्रशासन मुझसे कहता है कि आप परेशान न हो, शांत बैठ जाओ, जो वो कह रही है सुन लो, अगर आपकी सुनवाई हम करते हैं, आपका मुकदमा लिखते हैं, कार्रवाई करते हैं उसके खिलाफ, तो वो हरजन है, वो हरजन इट लगवा देगी। जो अपोजिट पार्टी है, क्या कभी किसी नेताओं का या किसी मंत्री का हाथ रहता है? हाँ, उसके उसके रिलेशन में कोई उसका देवर है, शारदा गौतम का कोई देवर है पुलिस में, वो कहता है कि इन लोग को जम के कचर लो, हमारा हाथ पीछे से है, हम तो हमेशा तुम्हारी मदद करते हैं। ऊपर भी अभद्रता करते, मारा कूटा है दोनों बच्चों को, मेरे जुड़वा बच्चों को कई बार मेरे न रहने पे अमित उमेश ने और उनकी भाभी ने, उनकी बीबी ने कई बार मारा, शारदा गौतम ने भी 8 फरवरी किस चीज से मार किया था आप लोगों के बेटे? हमारे बेटे को हाथों से मारा, वो हाथों झप्पड़ से मारा, पाटा से मारा। मेडिकल पुलिस प्रशासन ने कराया? नहीं, पुलिस प्रशासन ने हमारा एक बार तो मेडिकल नहीं कराया था, जब दोबारा मार के फोड़ फाड़ दिया था 11 मार्च को, तब पुलिस प्रशासन ने मेडिकल कराया था। बताते प्रशासन भी आपकी कोई नहीं सुनवाई कर रहे? नहीं, कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं। जब हमने, जब मेरे बेटे द्वारा आपको कोई धमकी दी गई है? नहीं, कोई धमकी तो नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा, लेकिन बड़े ही प्यार से मुझे ये समझा देते हैं, टाल देते हैं, कुल मिला के एक तरफा फैसला ले रही है पुलिस प्रशासन। मुझे प्यार से कहती कोई बात नहीं, आप हमारे प्रशासन हमारे परिवार से हो, परेशान न हो, परेशान न हो, और मुझे सांत्वना धरा देती है और कहती है कि अगर आप नहीं मानोगी मेरी बात तो आपके ऊपर हरजन हो जाएगा। बताते जो विपक्षी लोग हैं आपके, हाँ, वो आप लोगों के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर गलत गलत लांछन लगाते हैं, क्या कहना है? हम लोग के ऊपर गलत लांछन लगाते हैं इसलिए कि अपने आप को बचने के लिए। हकीकत यह है कि जब 27 जनवरी को मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उमेश गौतम, अमित गौतम का और मनोबल बढ़ गया। 28 जनवरी को हमारी गाय चिल्ला रही थी, हम अपने गाय को देखने गए थे और गाय को देख के हम वापस आ रहे थे तो अमित गौतम, अमित और उमेश गौतम दोनों मेरे घर में घुस आए और कुंडी बंद कर लिए, मेरे सीने पे हाथ लगा के बड़े ही बेरहमी से मुझे धक्का दे के गिरा दिया। मैं बेड पे गिरी और चिल्लाने की प्रयास किया, अमित गौतम ने मेरे पैर पकड़ लिया था और उमेश गौतम ने मेरा मुंह धर के दाब दिया और मेरे कपड़े फाड़ दिए और गंदी हरकतें करने लगे। किसी तरह से अपने आप को मैंने लात घूसा मारा, बचाया, बड़बड़ाया, आवाज सुन के मेरा पति और मेरा बच्चा ऊपर से आया।